हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ केयर पे। आज हम देखने वाले हैं लुलिकोनाजोल क्रीम 1% WHW लुवियस क्रीम। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने बेल आइकन नहीं दबाया है बेल आइकन दबा दीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन है वो मेरे चैनल से आपको जल्दी मिल जाए। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं लुलिकोनाजोल क्रीम किस लिए यूज़ किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, सब देखेंगे। पहले हम देखते हैं कंपोजिशन, इसमें क्या यूज़ किया गया है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। कंपोजिशन मतलब ये होता है, लुलिकोनाजोल जो है वो एक ऐसा क्रीम है, इसमें यूज़ किया गया है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आपके स्किन पे वो ट्रीट करता है, उस जो भी इन्फेक्शन हो उसको अवॉइड करने, मीन्स उसको ट्रीट करने के लिए ये लुलिकोनाजोल यूज़ किया गया है। नाउ सेकंड वन जो है लिखा हुआ है क्लोरोक्रिजोल, तो ये जो है यूज़ किया गया है और ये एक तरह का केमिकल इसमें यूज़ किया गया है कि ये जो क्रीम है उसको प्रिजर्व करके रखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव इन अ क्रीम बेस। ओके, अभी एप्लीकेशन ये है कि किस तरह आपको बच्चों से बचा के रखना है इस क्रीम को, तो ये आप देख सकते हैं, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन। अभी इसको किस तरह स्टोर करके रखना है, स्टोर इन अ कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, डू नॉट फ्रीज। इसको आपको कूल से बचा के रखना है, डार्क प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, डू नॉट फ्रीज। इसको फ्रीज में नहीं रखना है और लाइट से बचा के रखना है कि जो भी इसका असर है वो कम ना हो, बहुत अच्छे से असर हो जाए। ये क्या होता है, कोई क्रीम ख़राब नहीं होती है कि अगर आप ऐसे रख दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको अगर आप अच्छे से कवर करके रखें तो उसके जो प्रभाव है, जैसे कि आप क्रीम लगाओगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, नहीं तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, होता है असर लेकिन जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो है जितना आप इसको प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखें तो अच्छा है। अभी यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है, टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्ली, मतलब जब भी डॉक्टर आपका लिखेगा तभी आपको ये यूज़ करना है, बिना डॉक्टर के ये जो है क्रीम यूज़ मत कीजिएगा। नाउ अभी किस लिए यूज़ किया जाता है इसको, मेन बात तो ये है, अभी किस लिए यूज़ किया जाता है हम ये देखते हैं। जैसे कि आपके पैरों में क्रेक आ जाता है, जलन होती है या खुजली होने लग जाती है क्रैक में, और इतना जलन होता है कि कुछ कहा नहीं जाता है, तो इसके लिए आप इसको लगा सकते हैं लुलिकोनाजोल को। जैसे सड़न भी पड़ जाता है और बहुत जलन होता है इसमें तो भी आप लगा सकते हैं। अभी दूसरी बात ये है कि रिंग वार्म होता है, जैसे खुजली हो जाती है, गोल गोल तरह का चकते जैसा हो जाता है, लाल लाल, तो लगा सकते हैं। या कोई भी स्किन के ऊपर जो है रेडनेस आ जाता है, रेड रेड कलर का आ जाता है, उसमें भी बहुत खुजली होता है, तभी लगा सकते हैं आप। तो अभी ये हो गया इसका बेनिफिट जो है किस लिए लगाया जाता है। नाउ साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, ज़्यादा करके इसके साइड इफ़ेक्ट तो है भी नहीं, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो सूट नहीं करता है, कुछ ज़्यादा ही जलन होने लग जाता है उस जगह पे, तो आप इसको लगाना बंद कर दें। पहली बात तो ये है, अपने डॉक्टर से पहले दिखाएं कि मैं लगाऊं या नहीं, पहले अपने डॉक्टर से पूछिए फिर आप लगाइए, क्योंकि स्किन के ऊपर रहता है कि कितना आपका स्किन सही है हुआ है या कितना नहीं, उस हिसाब से जो है क्रीम लिखी जाती है और उस हिसाब से आप क्रीम लगाएं। तो जैसे कि आप 2-3 बार आप लगा सकते हैं ज़्यादा है तो, अगर ज़्यादा नहीं है कम है तो सिर्फ रात को लगा के सो जाइए और सुबह उठ के धो दीजिए।